तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि जिन जिन का दोस्तों यहां पर एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, क्योंकि कल मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में बताया था कि आपको किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि वीडियो को ना पूरा देखा करिए, आप बहुत जल्दी कमेंट कर देते हैं, मैंने वीडियो में वो चीज़ बताई होती है कि कैसे करना है, पर फिर भी वही चीज़ नीचे मुझे कमेंट में देखने को मिलती है तो फिर काफ़ी बुरा लगता है दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, अगर कोई चीज़ कवर करने से मैं रह जाता हूँ उस वीडियो में तो उस चीज़ के बारे में आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए कि कैसे डाउनलोड करना है, तो वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कैसे डाउनलोड करना है। हाँ, जिनका नहीं आया है वो ये वीडियो जरूर एंड तक देखें, मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आप देख रहे हो तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है या कोई एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर पर, आपके पास तीन तरीके हैं। एक तो एप्लीकेशन नंबर अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको सर्च करिए अपने प्रीवियस ईयर के रोल नंबर से, उससे भी नहीं आता है तो आप कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो आपका एडमिट कार्ड हो एग्जैक्टली किस तरीके से डाउनलोड करना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये एप्लीकेशन नंबर सर्च मार रहा हूँ दोस्तों, मैंने ये किसी स्टूडेंट से ही पूछा है, तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है और उसका एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका रिकॉर्ड भी नहीं दिखा रहा है और आपका एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का रोल नंबर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको सर्च मारना चाहिए। तो अपने प्रीवियस ईयर का रोल नंबर डालिए और प्रीवियस ईयर डालिएगा, यहाँ पर 2019 यहाँ पर है, पर आप देखिएगा कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, जो रोल नंबर आप डाल रहे हो उस साल का ईयर यहाँ पर होना चाहिए, फिर आप प्रोसीड करोगे तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। इससे भी अगर नहीं होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट की मदर का नेम और यहाँ पर स्टूडेंट के फादर का नेम आप डाल के इसको प्रोसीड कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है इन तीनों ही चीज़ों से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीन तरीकों से आप इसको सर्च मार सकते हैं। अगर इन तीनों तरीकों से भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक आध दिन वेट करो, एक आध दिन का ही वेट करो। अगर एक आध दिन में आपको दोबारा से चेक करने पर नहीं आता है तो दोस्तों सिंपली फिर आपको जाना पड़ेगा CBSE के रीजनल ऑफिस और वहाँ पर जाके उनसे बात करिए, क्योंकि आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कर लो अगर लकी होगे, तो नहीं होता है तो आप उनके डायरेक्ट वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर जाके उनसे बात करिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आ रहा है, तो वो लोग आपको उसके रिगार्डिंग बता देंगे, गाइड कर देंगे कि क्या कैसे होना है, या फिर जैसे भी आएगा वो आपकी वहाँ पर हेल्प कर देंगे। तो देर मत करिएगा, एक आध दिन अभी वेट कर लो, साइट थोड़ा सा स्लो हो जाती है ज़्यादा ट्रैफिक आने पे, तो CBSE की साइट थोड़ा बहुत ऐसे हो जाती है, फिर एरर आते हैं, नहीं आता है, बहुत से बच्चों का नहीं आ रहा था और कुछ टाइम बाद आ गया है, तो आपका भी हो सकता है एक आध दिन में आ जाए, बस एक आध दिन वेट कर लो, नहीं आता है तो फिर आप देख लेना इस तरीके से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी, तो आप एक लाइक कर देना अगर यहाँ तक देखा है दोस्तों, और आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो का मिल जाया करे। कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ ध्यान दे लिया करो दोस्तों, कभी कभार वीडियो में मैंने वो चीज़ बताई होती है और अगर वो चीज़ सेम नीचे आप पूछते हो तो फिर काफ़ी बुरा लगता है कि आपने मतलब वीडियो पूरा नहीं देखा है, तो पूरा देख लिया करो वीडियो अगर आपके काम की वीडियो होती है तो। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।